दोस्तों, हिंदी सिनेमा को 100 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सिनेमा के इतिहास में अनगिनत ऐसे किस्से हैं जिन्हें जानकर हैरानी होती है। आज हम आपको बॉलीवुड की दो ऐसी हीरोइनों के बारे में बताएंगे जो विलन के साथ कुछ एंटीमेंट सीन करते हुए बदसलूकी का शिकार हुई थी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप अभी बच्चे हैं तो इस वीडियो को कृपया यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं माधुरी दीक्षित की, जब वे एक रेप सीन से डर गई थी। जी हाँ, उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित 1989 में फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में नजर आई थी और इसी के एक रेप सीन के मामले में वो बुरी तरह से सहम गई थी। आखिर मामला क्या था, चलिए बताते हैं। दरअसल बात चल रही है फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के बारे में। साल 1989 में इस फिल्म के लीड रोल में माधुरी दीक्षित के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, विनोद मेहरा और विलन के रूप में रंजीत थे। अब विलन के रूप में रंजीत थे तो आप समझ ही गए होंगे कि माधुरी का डरना जायज भी था। ये फिल्म सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में माधुरी के साथ एक रेप सीन फिल्माया गया था। माधुरी दीक्षित को जब डायरेक्टर ने इसके बारे में बताया तो वो सहम गई। हालांकि कहानी के मुताबिक रेप सीन की जरूरत थी और माधुरी इसके लिए तैयार भी थी। वैसे रंजीत की छवि एक खूंखार विलन की थी और माधुरी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे होगा ये सीन। जब सीन शूट होना शुरू हुआ तो माधुरी दीक्षित डरी थी और उन्होंने विलन रंजीत को ये कहकर अलग कर दिया कि मुझे हाथ मत लगाना। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रंजीत ने उस सीन में माधुरी के साथ जबरदस्ती की थी और वो तय की गई स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गए थे। रंजीत ज्यादा हावी हो गए थे और अपना आपा खो बैठे थे, जिसकी वजह से माधुरी दीक्षित को ताकत के साथ उन्हें खुद से अलग करना पड़ा था। और ऐसा दावा किया जाता है कि इस दौरान माधुरी ने रंजीत के हाथ पर काट भी लिया था, तब जाकर रंजीत दूर हटे। 80 के दशक की ये घटना आज भी माधुरी दीक्षित को डराती है। वो ऐसा दौर था जब माधुरी ने इंडस्ट्री में सही से अपनी जगह भी नहीं बनाई थी। अब बात करते हैं करिश्मा कपूर की। दोस्तों, क्या आपको फिल्म राजा हिंदुस्तानी का वो सीन याद है जिसमें आमिर खान ने करिश्मा के साथ जमकर लिपलॉप किया था? हमें पूरा यकीन है कि आप उस सीन को नहीं भूले होंगे और भूलेंगे भी क्यों। आखिर उसी सीन ने इस फिल्म में जबरदस्त तड़का लगाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म राजा हिंदुस्तानी के इस सीन को लेकर करिश्मा कपूर ने एक बहुत बड़ा राज खोला है जो आमिर खान से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस राज के बारे में सुनेंगे तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। लेकिन आमिर खान के इस बेशर्मी भरे राज को खोलने से पहले आपको बता दें कि फिल्म राजा हिंदुस्तानी साल 1996 में रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट मूवी रही थी और करीब 20 हफ्तों तक थिएटर में लगी रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी दर्शकों की मांग थी कि फिल्म को थिएटर से ना हटाया जाए। दोस्तों, इस फिल्म में ऐसा क्या था जो दर्शकों को अपनी तरफ खींच लेता था, यह तो फिल्म देखकर ही पता लग जाता है। फिल्म की अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में कुछ राज खोले हैं जो आज तक शायद ही किसी को पता हो। उनका कहना है कि इस फिल्म के डायरेक्टर धर्मेश ने इस फिल्म में अपनी सारी जान झोंक दी थी। लेकिन उनसे पहले फिल्म में जूही चावला और ऐश्वर्या को कास्ट किया जाना था, लेकिन उन दोनों के मना करने के बाद ही करिश्मा कपूर को फिल्म में लिया गया था। इसके अलावा जो बात करिश्मा कपूर ने आमिर खान के बारे में बताई उसे सुनकर तो आप यकीन ही नहीं करेंगे कि आमिर खान जैसा एक्टर भी ऐसा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, करिश्मा का कहना है कि इस फिल्म में जो किसिंग सीन किया गया है उसे करते समय आमिर खान शर्मा रहे थे क्योंकि सीन था ही इतना लंबा। लेकिन डायरेक्टर धर्मेश के समझाने पर आमिर खान वह सीन करने के लिए तैयार हो गए। आपको बता दें कि आमिर ने यह सीन करने से पहले करीब 1 लीटर वोडका पी ली थी और उनकी ये हरकत देखकर सभी हैरान हो गए थे कि आमिर खान ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनकी छवि एक बहुत बढ़िया इंसान की भी रही है। लेकिन आमिर ने कहा कि उन्होंने अपने अंदर की शर्म और डर को खत्म करने के लिए ऐसा किया था ताकि वे इस सीन को अच्छे से कर सके। आमिर और करिश्मा का वो चुंबन सीन आज तक बॉलीवुड का सबसे लंबा सीन रहा है। तो दोस्तों, शराब पीकर करिश्मा के साथ चुम्मा चाटी करने वाले आमिर की इस हरकत के बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।